नांदेड काँग्रेस पार्टीच्या वतीने 32 वर्षानंतर मुस्लिम समाजाला महानगर अध्यक्षपद बहाल, अब्दुल सत्तार यांची महानगर अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यासोबत महानगर अध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर यांनी देखील भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे नांदेड महानगर अध्यक्ष जागा रिकामी झाली होती. आज काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने महानगर अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. पक्ष निरीक्षक युसुफ खान यांनी नियुक्तीचे पत्र काँग्रेस कार्यालय नवामोंडा येथे अब्दुल सत्तार यांना देण्यात आले व त्यांचा सन्मान सत्कार करण्यात आला. यावेळी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष गोविंदराव नागोलीकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, माजी आमदार वसंतराव चव्हाण, पक्ष निरीक्षक समन्वय ईश्वरराव भोशीकर, बी आर कदम यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेजी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो नांदेड महानगर अध्यक्ष पद पे मेरी निवड़ की है. और हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी और हमारे साथी जो नांदेड़ के आमदार मोहन अम्बर हम्बड़ जी, वसंत चौहान जी और ईश्वरराव भोसीकर जी, हमारे दोस्त जो हमारा नियुक्ति पत्र लेके आए यूसुफ भाई औरंगाबाद के अध्यक्ष, और हमारे सभी नगर सेवक ने जो मेरा जो रिकमेंड किए और जो लेटर दिए थे, आज वो लेटर के बलबूते पे इस पे जो आज मेरे को शहर अध्यक्ष बनाया गया, मैं तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ. और जिस तरह से जो काम करने का मौका दिया गया कि जो नांदेड़ शहर का अध्यक्ष बनाए, तहे दिल से मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और जिस तरह से आज तकरीबन 22 से 23 साल पहले मकबूल सलीम शहर अध्यक्ष थे, हमारे साथी सभी थे, हम लोग साथ में हमारे पुराने साथी अल्ताफ भाई, हम मिलकर मकबूल सलीम साहब के साथ काम किए हैं. उन्होंने शहर अध्यक्ष होने के बाद उसके बाद आज तकरीबन 25 साल के बाद एक मुस्लिम को शहर अध्यक्ष मिला है. मैं तहे दिल से पहले हमारे साथियों की ओर से कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज मेरे को तकरीबन इतने साल के बाद काम करने का मौका मिला, मैं बहुत से पदों पर रहा हूँ, महापौर पद लिया, सभापति लिया, सब लिया, पर संगठना का पद आज पहली बार मिला है. और मैं हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर, हर साथी, हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर मैं कांग्रेस कैसा मजबूत करना है और कांग्रेस को आगे लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका में कैसा चुन के लाना है कार्यकर्ताओं को, इंशाल्लाह मैं कहीं कम नहीं पड़ूँगा. फिर एक बार आपका, मीडिया का, सबका शुक्रिया अदा करके और फिर कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जी का शुक्रिया अदा करके मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ.